छोटे मोटे सामान को खरीदने के लिए अक्सर ही हम सभी अपने जेब में पड़े उन सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आज के समय इस तरह के बेहद ही शानदार और चमकदार से सिक्के फैक्ट्री में किस तरीके से बनाए जाते हैं और क्या रहा है इन सिक्कों का इतिहास। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको सिक्कों से जुड़े वो किस्से भी बताएंगे जब भारत सरकार को मजबूरन अपने सिक्कों को बंद करना पड़ गया था। तो फिर देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सिक्के बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान से धधकती हुई भट्टी के अंदर आयरन और स्टेनलेस स्टील के टुकड़ों को डाल दिया जाता है। इसके बाद देखते ही देखते इन सभी धातुओं के ये टुकड़े पिघल जाते हैं। जब इन मेटल के ये सभी मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं ना, उसी समय इस लिक्विड को कुछ इस प्रकार के मोल्ड में लेकर इस तरह की छड़े बना ली जाती है। इसके बाद इन मोटी छड़ों को कई बार कुछ इस प्रकार के रोलर्स के बीच कंप्रेस किया जाता है, जिससे कि फैक्ट्री में मौजूद कुछ इस प्रकार की मशीन से इस तरह की पतली पट्टियां बाहर निकलती रहती है। इसके बाद बारी आती है इन पतली पट्टियों से गोल गोल सिक्कों को बनाने की, जिसके लिए सिक्के बनाने वाली फैक्ट्री में कुछ इस प्रकार की मशीन इन पतली पतली पट्टियों से कुछ इस प्रकार के गोल गोल और प्लेन सिक्के बनाने का काम करते हैं। सिक्के बनाने की फैक्ट्री में मौजूद ये मशीन्स जब पट्टियों से सिक्कों को काटती है तो उस समय मशीन से निकलने वाले ये सिक्के पूरी तरीके से प्लेन होते हैं। वहीं अगर बात करें सिक्कों का शेप देने वाली इस मशीन के स्पीड की, तो ये मशीन अपने फुल स्पीड में हर आधे घंटे के अंदर 27,000 सिक्के काटने की क्षमता रखती है। और इस प्रकार से हम ये बात समझ सकते हैं कि इस मशीन की स्पीड कितनी ज्यादा होती है। लेकिन इस मशीन से बन रहे सिक्कों पर अगर आपने भी गौर किया है तो यहाँ पर सिक्के काटने के अलावा इन पट्टियों के काफी सारे वेस्ट भी बचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इन पट्टियों के ये जो भी वेस्ट बच रहे हैं ना, उन सभी को बाद में फैक्ट्री के वर्कर्स कुछ इस प्रकार से फैक्ट्री के अंदर ही पिघलाने का काम करते हैं। इसके बाद दोबारा से पिघला लिए गए इन वेस्ट के लिक्विड फॉर्म को सिक्कों में बनाकर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अब बारी आती है इन सिक्कों को मेटल की रेत के बीच कुछ इस प्रकार से घुमाने की, जिसके लिए फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स इन सिक्कों को कुछ इस प्रकार के मशीन में डाल देते हैं जिसमें कि मेटल की रेत मौजूद रहती है। इन सिक्कों को इस चीज के अंदर डालने से ये फायदा होता है कि ये सिक्के पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा चिकने और काफी चमकदार दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद नंबर आता है इन सिक्कों के ऊपर जरूरत के हिसाब से डिजाइन को प्रिंट करने का, जिसके लिए सबसे पहले तो दो तरह के डिजाइन को तैयार करवाया जाता है, एक नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। फिर इस डिजाइन को गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया जाता है। जब इस डिजाइन को गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल जाती है, तब बारी आती है इस डिजाइन की पंचिंग मशीन को तैयार करने की, जिसके बाद पंचिंग मशीन को भी तैयार करवा लिया जाता है। इसके बाद इन्हीं पंचिंग मशीन की सहायता से इस प्लेन सिक्कों के दोनों तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव डिजाइन को हाई प्रेशर की मदद से डाई मशीन के द्वारा कुछ इस प्रकार से तैयार किया जाता है। जहाँ पर सिक्के के एक तरफ हेड होता है तो वहीं दूसरी तरफ टेल को पंच किया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस सिक्के की दोनों तरफ के डिजाइन को प्रिंट करने वाली ये मशीन एक मिनट के अंदर 720 सिक्के प्रिंट करने का काम कर लेती है। अब इसके बाद बारी आती है इन सिक्कों की क्वालिटी को चेक करने की, जहाँ पर इन सभी सिक्कों में से कुछ सिक्कों को लेकर उनकी क्वालिटी चेक कर ली जाती है। इसके बाद फैक्ट्री में तैयार ये सभी लाखों सिक्के रिजर्व बैंक में भेजे जाते हैं, जहाँ से ये सभी सिक्के आम जनता तक पहुँच पाते हैं। तो दोस्तों, अब तक तो आपको भी समझ में आ चुका होगा कि हम सभी का जेब में पड़ा रहने वाला मामूली सा सिक्का कितनी सारी प्रोसेस से होकर गुजरने के बाद ही हमारे तक पहुंच पाता है। यहाँ पर ये बात जान लेना भी बहुत ही जरूरी है कि सभी देशों में सिक्के बनाने के लिए लगभग इसी तरह के प्रोसेस को ही अंजाम दिया जाता है। जहाँ पर आज के समय किसी भी चीज को खरीदने के लिए सिक्कों और नोटों का प्रयोग किया जाता है और इन्हें बनाने में भी काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं काफी समय पहले किसी भी चीज को खरीदने के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था, जिसका सीधा सा अर्थ ये होता था कि किसी भी वस्तु को लेने के लिए अपने पास मौजूद किसी दूसरी वस्तु को देना। अर्थात प्राचीन समय में इंसान एक वस्तु को लेने के लिए दूसरी वस्तु को दे देता था, जैसे कि चावल के बदले गेहूँ, सोने के बदले गाय, भैंस या फिर कोई भी दूसरी महंगी वस्तु। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसानों ने और भी ज्यादा तरक्की करनी शुरू करी।
इसके बाद लोग धीरे धीरे कौड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन ये भी इंसानों के लिए ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाया और समय के साथ इंसानों ने दमड़ी, ढेला, पाई और फिर बारी आई पैसे की। इन्हीं सब चीजों के कारण हमारे समाज में कई तरह की कहावतें प्रचलित होती गईं, जैसे कि एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। एक समय वो भी था जब राजा महाराजा अपने राज्यों में सोने चांदी और पीतल जैसे धातुओं के सिक्के चलवाया करते थे। इन सिक्कों को बनाने के लिए पहले भी इसी तरह की प्रोसेस का इस्तेमाल होता था, जैसे कि आज के समय सिक्कों को बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर 1200 डिग्री सेल्सियस से तपती भट्टी के अंदर धातुओं को डाला जाता है ना, उसी प्रकार से राजा महाराजाओं के समय में भी सिक्कों को बनाने के लिए भट्टी का ही इस्तेमाल किया जाता था। इन गर्म भट्टियों में धातुओं को बढ़िया तरीके से पिघलाकर इन्हें एक सांचे में रखकर सिक्के का आकार दिया जाता था और फिर थोड़ा सूखते ही इनके ऊपर कुछ विशेष प्रकार की आकृति और लिखावट अंकित कर दी जाती थी। प्राचीन समय में राजा महाराजा जिन चांदी और सोने के सिक्कों को अपने राज्य में मुद्रा के तौर पर चलवाने का कार्य करते थे, उनके ऊपर उनकी ही तस्वीर या फिर उनके राज्य के किसी विशेष चीज का चिन्ह बना होता था। अगर हम बात करें भारत में सिक्कों के चलने की, तो इसकी शुरुआत 19 अगस्त साल 1757 में अंग्रेजों के द्वारा करी गई थी, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता शहर में करी जाती थी। जब अंग्रेजों ने भारत के रुपए का पहला सिक्का बनाकर तैयार किया, तब उन्होंने सिक्के को सबसे पहले बंगाल के मुगल प्रांत में चलाने का काम किया। अंग्रेजों ने इन सिक्कों को बनाने के लिए बंगाल के नवाब के साथ एक समझौता किया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1757 में टकसाल बनाने का काम किया। अगर आपको टकसाल के बारे में नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, टकसाल एक ऐसा कारखाना होता है जहां पर किसी भी देश की सरकार का या फिर उसके द्वारा दिए गए ऑर्डर से उस देश की करेंसी को बनाने का काम किया जाता है। जब हमारा देश भारत पूरी तरीके से साल 1947 में आजाद हुआ, उस समय तक अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सिक्के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे और इन सिक्कों का चलन साल 1950 तक भी रहा। इसके बाद साल 1950 में आजाद भारत का पहला सिक्का बनकर तैयार हुआ। उस समय तक भारत में आना, पैसे और रुपए के सिक्कों का प्रचलन था, लेकिन समय के साथ साथ आना और पैसे के सिक्के बंद होते गए। लेकिन आज भी 1 रुपए से लेकर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 के सिक्के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए ही जाते हैं। एक समय ऐसा भी आया था जब 5 के सिक्के भारत सरकार को मजबूरन बनाना बंद करना पड़ा था। अभी आप जिस 5 के सिक्के को स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इस तरह के मोटे दिखाई देने वाले 5 के सिक्के पहले के समय में मार्केट में काफी ज्यादा दिखाई देते थे, लेकिन आज के समय इस तरह के 5 रुपए के सिक्के भारत सरकार ने बनाना पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। हालांकि अभी भी इस तरह के 5 के सिक्के मार्केट में समय समय पर दिखाई दे ही जाते हैं, लेकिन इन 5 रुपए के सिक्कों को सरकार के द्वारा बनाना बंद कर दिया गया है। ऐसा करने का असली कारण ये था कि इन 5 रुपए के सिक्कों की दूसरी पड़ोसी देशों में तस्करी होने लगी थी। भारत से इन 5 रुपए के सिक्कों को इकट्ठा किया जाता था और इन्हें पड़ोसी देश के माफिया बड़ी संख्या में सिक्कों को गलाकर उनसे दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड्स को बनाते थे। 1 सिक्के से 10 ब्लेड बनते थे और 1 ब्लेड की कीमत 2 रुपए होती थी। अब इससे आप समझ ही सकते हैं इन लोगों को कितना ज्यादा मुनाफा होता था। माफियाओं के इसी धंधे को बंद करने के लिए भारत सरकार ने पहले 5 का सिक्का बनाना बंद कर दिया, फिर सिक्के की मोटाई कम करके इसे दूसरे मिश्रित मेटल से बनाना शुरू किया और ये नया वाला सिक्का इस पूरे कांड की वजह से बनना शुरू हुआ था। तो दोस्त, सिक्के की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस और सिक्के की कुछ अमेजिंग बातों से जुड़ी ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।